अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अलीम फ्रॉम स्किल्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पिंगडम के बारे में। तो बेसिकली ये सबसे ज़्यादा सिंपल टूल है स्पीड टेस्टिंग का। आप यहाँ पे वेबसाइट की यूआरएल लिखते हैं, उसके बाद यहाँ से सर्वर सेलेक्ट करते हैं और स्टार्ट टेस्ट। अच्छा, उसके बाद नीचे योर रिज़ल्ट, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं। तो ये इनका एक ग्रेडिंग सिस्टम है, तो B83। उसके अलावा यहाँ पे इसका पेज साइज शो हो रहा है और लोड टाइम 592 मिली सेकेंड। उसके बाद टोटल रिक्वेस्ट, तो ये नीचे सजेशंस हैं, ऐड एक्सपायर हेडर्स, वो कह रहे हैं कि आप एक्सपायर हेडर ऐड करें। उसके अलावा रिड्यूस DNS लुकअप्स, उसके अलावा मेक फ्यूअर HTTP रिक्वेस्ट, मतलब रिसोर्सेज वगैरह काम करें, CSS उन्हें कंबाइन करें। उसके अलावा कंप्रेस कंपोनेंट्स विद GZIP, GZIP इस्तेमाल करें, अवॉइड एम्प्टी SRC और HREF। उसके अलावा पुट जावास्क्रिप्ट एट द बॉटम और रिड्यूस द नंबर ऑफ डोम एलिमेंट्स। उसके अलावा रिस्पॉन्स कोड सारे ओके हैं। 63% हमारी इमेजेस हैं, 27% हमारी जावास्क्रिप्ट है, 5% फॉन्ट है, 2.83% HTML है, 1.64 CSS है और 0.58 XHR है। उसके अलावा रिक्वेस्ट टाइप्स यहाँ पे 33, 12, 5, 4, 22 और यहाँ पे साथ में साइज शो हो रहे हैं। उसके अलावा डोमेन कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं और उनकी परसेंटेज साइज, यहाँ से आप इनका ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं लोड टाइम के हिसाब से या लोडिंग ऑर्डर, रिस्पॉन्स हेडर साइज, रिस्पॉन्स बॉडी साइज, रिस्पॉन्स टोटल साइज, स्टेटस कोड, ब्लॉक टाइम, कनेक्ट टाइम, DNS टाइम, रिसीव टाइम, सेंड टाइम, SSL टाइम, वेट टाइम, कंटेंट टाइप। तो यहाँ पे आपने जितने ज़्यादा शो करवाने हो, उसके अलावा अगर आप ज़्यादा डीप एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप इनके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ये आपको कंप्लीट डाटा शो करवाएगा, जिसकी ना आपको समझ आ रही है ना मुझे समझ आ रही है। ये बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें हैं। तो उम्मीद है आपको इस सिंपल टूल की समझ आ गई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया।